Very good morning, students, and welcome to you all in today's conversation session. So today we will going to study the chapter number 7 at school. आज हम chapter number 7 at school पढ़ेंगे. So here it's a conversation between a teacher and a students. यहाँ पे teacher और students के बीच में conversation हो रही, means बातचीत हो रही है. अब now let's continue. So first children says, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर. मतलब बच्चे कह रहे हैं सुप्रभात टीचर, मीन्स गुड मॉर्निंग को हिंदी में सुप्रभात कहते हैं. टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल. तो अध्यापिका कहती हैं सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं. तो बच्चे कहते हैं वी आर गुड, थैंक यू, हम सब बढ़िया हैं, धन्यवाद. देन टीचर से चिल्ड्रन व्हाट इज टुडे, यू नो टुडे समथिंग स्पेशल. तो अध्यापिका कहती हैं बच्चों आज क्या है, तुम जानते हो आज कुछ विशेष है. तो पहला बच्चा कहता है चिल्ड्रन वन, मीन्स पहला बच्चा कहता है टुडे इज मंडे. तो पहला बच्चा बोलता है आज सोमवार है. देन चिल्ड्रन टू, मीन्स दूसरा बच्चा बोलता है टुडे इज माय मॉम्स बर्थडे, आज मेरी माँ का जन्मदिन है. और थर्ड स्टूडेंट, मीन्स तीसरा बच्चा बोलता है टुडे इज अवर टेस्ट, आज हमारी परीक्षा है. देन टीचर सेज टुडे इज 14th नवंबर, इट इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, आज 14 नवंबर है, इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. सो आज 14 नवंबर है, मीन्स 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे. देन टीचर सेज टुडे यू विल एंजॉय इट इन स्कूल प्लेग्राउंड, लेट्स गो. तो टीचर कहती हैं आज आप आज स्कूल के मैदान में आनंद लेंगे, मींस वो सब खेलेंगे आज प्लेग्राउंड में, तो चलो चलें. तो अध्यापिका कहती हैं आज आप लोग प्लेग्राउंड में खेलेंगे, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, लेट्स गो. देन चिल्ड्रन सेज हुर्रे, मींस बच्चे अब खुश हो जाते हैं, तो वो कहते हैं हुर्रे. देन टीचर सेज ऑल स्टूडेंट्स विल मूव इन क्विक, सो टीचर जो है वो कहती हैं कि सभी बच्चे पंक्ति में चलेंगे. ऑल स्टूडेंट्स विल मूव इन क्यू, तो सभी बच्चे लाइन में चलेंगे. चिल्ड्रन वन, मतलब पहला बच्चा बोलता है व्हाट वी वुड डू देयर टीचर. तो पहला बच्चा बोलता है टीचर हम वहां क्या करेंगे. टीचर वी वुड प्ले गेम्स देयर, हम वहां खेल खेलेंगे. देन चिल्ड्रन टू, मीन्स दूसरा बच्चा बोलता है टीचर आई वुड एंजॉय ऑन स्विंग, टीचर मुझे झूला झूलना है. तो टीचर कहती है श्योर चाइल्ड, फर्स्ट वी वुड प्ले गेम्स देन वी विल हैव फन ऑन स्विंग्स, बट फर्स्ट टेल मी अबाउट योर फेवरेट गेम्स. तो टीचर कहती है उस बच्चे को बिल्कुल बेटा निश्चित ही बच्चे पहले हम खेल खेलेंगे, फिर हम झूला झूलों पर मजे करेंगे, लेकिन पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है. तो वो बच्चों से पूछती आप लोग मुझे ये बताइए आप लोगों का फेवरेट गेम कौन सा है. तो पहला बच्चा बोलता है आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, पहला बच्चा बोलता है मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है. और फिर दूसरा बच्चा बोलता है माई फेवरेट गेम इज हॉकी, तो दूसरा बच्चा बोलता है मेरा पसंदीदा खेल हॉकी है. और तीसरा बच्चा बोलता है आई लाइक इंडोर गेम्स, मुझे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल पसंद है. टीचर, तो टीचर कहती है गुड, मींस बहुत अच्छा. फिर चौथा बच्चा बोलता है आई डोंट लाइक टू प्ले बट वॉच ओनली, और चौथा बच्चा बोलता है मुझे खेलना पसंद नहीं है लेकिन देखना पसंद है. तो टीचर कहती है यू शुड प्ले एज इट इज गुड फॉर हेल्थ, तुम्हें खेलना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. तो फिर पांचवा बच्चा बोलता है, फिफ्थ स्टूडेंट बोलता है कैरम इज माय फेवरेट गेम, मेरा प्रिय खेल कैरम है. और फिर टीचर कहती है इट इज गुड, हाउ वुड यू चीयर अप योर फ्रेंड्स, यह अच्छा है, अब आप बताइए आप लोग अपने मित्रों को कैसे उत्साहित करेंगे. तो फिर पहला बच्चा बोलता है वी कैन मेक पॉम पॉम, हम पॉम पॉम बना सकते हैं. देन टीचर से यस, हाँ. और फिर दूसरा बच्चा बोलता है वी कैन शाउट हुर्रे, हम हुर्रे चिल्ला सकते हैं. एंड देन टीचर सेज
गया। तो यह अध्यापिका कहती हैं यह शोरगुल वाला उपाय है, मीन्स इससे बहुत ज्यादा शोर होगा। देन थर्ड चिल्ड्रन से तीसरा बच्चा जो रहता है, चाइल्ड रहता है, वो कहता है वी विल क्लैप टू चीयर अप, हम ताली बजाकर उत्साहित करेंगे बच्चों को। टीचर से नाइस आइडिया, बहुत अच्छे उपाय है। देन फोर्थ चिल्ड्रन सेज वी शुड मेक वी साइन, हम वी का चिन्ह बनाएंगे। टीचर से गुड आइडिया, बहुत अच्छा उपाय है। सो इस तरह से सभी बच्चे जो हैं अपने अपने आइडियाज को बता रहे हैं कि हम बच्चों को और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको कैसे वो उत्साहित करेंगे, गेम में चीयर अप करेंगे। देन टीचर सेज डू यू नो हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं यस 11 प्लेयर्स एंड 2 टीम्स, जी 11 खिलाड़ी और 2 टीमें होती हैं। टीचर से यस नाउ लेट्स गो टू प्ले इन द ग्राउंड फॉर फन, जी बिल्कुल चलो मजा करने के लिए खेल के मैदान में चलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स ये, तो सभी बच्चे खुशी में बोलते हैं वाह। देन टीचर सेज बट ऑल ऑफ यू शुड मूव इन अ प्रॉपर क्यू, लेकिन आप सभी एक उचित पंक्ति में चलेंगे। तो पहला बच्चा बोलता है शैल वी स्टार्ट मेकिंग अ क्यू, क्या हम लाइन बनाना शुरू करें, पंक्ति बनाना शुरू करें। टीचर कहते हैं यस। और फिर दूसरा बच्चा बोलता है मैम व्हाट वी डू देयर, हम क्या करेंगे वहां पर। आवर फर्स्ट गेम विल बी फ्रॉग रेस, हमारा प्रथम खेल मेंढक दौड़ होगी। और फिर चिल्ड्रन कहते हैं इट इज फन टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, और फिर बच्चे कहते हैं वाह मेंढक की तरह उछलना मजेदार है। तो ये बच्चों का आज चिल्ड्रंस डे है, मीन्स 14 नवंबर जो है चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है बच्चों के स्कूल में। वहां पर उस समय 14 नवंबर था, तो बच्चे जो हैं उनके टीचर्स उनको गेम खिलवाने के लिए प्लेग्राउंड में ले जाते हैं। दे आर द ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द गेम्स, और सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं गेम्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स नाउ योर दिस चैप्टर इज ओवर, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन विच यू हैव टू डू एंड हियर यू हैव टू राइट विच इज योर फेवरेट गेम, आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका फेवरेट गेम मीन्स पसंदीदा खेल कौन सा है, और आपको एक पिक्चर पेस्ट करनी है और उसके बारे में कुछ लिखना है। मान लीजिए अगर आपका फेवरेट गेम जो है क्रिकेट है, तो आप क्रिकेट के बारे में 2 or 4 or 5 लाइन्स लिखेंगे और एक पिक्चर पेस्ट करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क। अगर आपका फेवरेट गेम बैडमिंटन है, तो आप बैडमिंटन के बारे में लिखेंगे और पिक्चर पेस्ट करेंगे। ओके okay?